नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। आप देख रहे हो मेट्रो सिटी समाचार। आज देखने वाले हैं महाराष्ट्र मुंबई की बड़ी खबरें, और खबर भी ऐसी देखेंगे जो आपके काम की है। पहली खबर है नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे से रिलेटेड। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था। अब इसकी सफलता से उत्साहित शिंदे फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र के सभी जिलों को हाईवे से जोड़ने का प्लान बनाया है। महाराष्ट्र में 10 नए राजमार्ग के निर्माण की योजना की जिम्मेदारी महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम को दे दी गई है। इनमें समृद्धि एक्सप्रेसवे से ही लंबे नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे का समावेश है। ये एक्सप्रेसवे वर्धा जिले के पौनर में से शुरू होकर महाराष्ट्र गोवा राज्य सीमा पर पत्रा देवी पर समाप्त होगा। आपको बता दे, ये एक्सप्रेसवे समृद्धि एक्सप्रेसवे से भी बड़ा होगा। MMRDC के MD राधेश्याम मोपलावार के अनुसार राज्य में लगभग 3000 किलोमीटर के नए हाईवे अगले 5 वर्ष में बनाने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाले 10 हाईवे सभी 36 जिलों से जुड़ जाएंगे। हाईवे नेटवर्क बनने से नए औद्योगिक नोड और विभिन्न हब और स्मार्ट सिटी आदि का विकास होगा। जो जिले अभी पिछड़े हुए हैं, जो सिटी नई डेवलप हो गई है, इससे काफी उनको गति मिलेगी उनका विकास करने के लिए। मुंबई शहर में प्रतिदिन लाखों लोग ट्रांसपोर्ट के अलग अलग साधनों से काम पर जाते हैं। अधिकतर लोग मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन पर निर्भर हैं। वहीं बहुत सारे लोग बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट की बस सेवा यानी बेस्ट पर निर्भर होते हैं। मुंबई के किसी भी इलाके में जाने के लिए बेस्ट की बसें सबसे किफायती है, और ये यात्रा का आसान तरीका भी है। अब बेस्ट ने एक ऐप बेस्ट प्रीमियम पॉइंट टू पॉइंट बस सर्विस की शुरुआत की है। इस सेवा की शुरुआत 12 दिसंबर को थाने से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच हुई। ये सेवा सोमवार से शनिवार तक उपलब्ध होगी। इसके साथ ही मुंबई देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां ऑल इलेक्ट्रिक प्रीमियम बस सेवा उपलब्ध होगी। इस इलेक्ट्रिक प्रीमियम बस सेवा में यात्रियों को अनेक आधुनिक सुविधा मिलेगी यानी मॉडर्न। बेस्ट चलो ऐप पर टिकट बुक करने के अलावा यात्रियों को USB चार्जर, लग्जरी सीट्स, लाइव ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं मिलेगी। इसके अलावा ट्रैवल सब्सक्रिप्शन भी सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे डेली यात्रा के खर्च पर 50% तक की बचत की जा सकेगी। प्रीमियम चलो बस पर यात्री बेस्ट चलो ऐप के जरिए आसानी से सीट रिजर्व कर सकते हैं, यानी आप पहले ही सीट बुक कर सकते हैं बस में। ये खबर पुणे से है। सोशल मीडिया पर इन दिनों पुणे पुलिस के एक कारनामे का काफी तारीफ हो रही है। पुणे पुलिस ने अपनी समझदारी और होशियारी से एक शख्स की जान बचा ली है। दरअसल पुणे में एक शख्स ने फेसबुक पर लाइव करके खुदकुशी करने की धमकी दी, और पुलिस को भी फेसबुक के जरिए इसकी जानकारी मिल गई। पुलिस ने वीडियो पर तुरंत एक्शन लेते हुए उस आदमी को खुदकुशी करने से रोक लिया। पुणे पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुणे सिटी पुलिस को शनिवार शाम को जानकारी मिली कि मार्केटिंग पेशे से जुड़ा एक शख्स फेसबुक पर लाइव करके खुदकुशी करने की धमकी दे रहा है। वीडियो में शख्स ये कहते हुए नजर आ रहा है कि वह अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई, और आधे घंटे के अंदर ही एक टीम ने मौके पर जाकर शख्स को ऐसा करने से रोक लिया। इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आइए देखते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र से पहले BJP प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बड़ा बयान दे दिया है। बावनकुले ने एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। बावनकुले ने कहा, मेरे महाराष्ट्र अध्यक्ष पद के कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बावनकुले ने कहा कि फडणवीस ने हर समाज को न्याय दिलाने के लिए काम किया है, फिर चाहे मराठा हो, धनगर हो या कोई दूसरा समाज। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में 2014 से 2019 का दौर एक बार फिर से लौटना चाहिए। उन्होंने यह बयान नागपुर में संत संताजी जांगनाड़े महाराज स्मारक आर्ट गैलरी के भूमि पूजन के दौरान दिया। उनके इस बयान से प्रदेश का राजनीतिक पारा बढ़ सकता है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। संजय राउत ने रविवार को कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता करते हैं यानी बातचीत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वह महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर आंखें मूंद लेते हैं, जो एक अच्छे राजनेता का संकेत नहीं है। ये संजय राउत का कहना है।
मुंबई में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। ठंड का मौसम है फिर भी मुंबई में गर्मी ज्यादा है। मुंबई में वाहनों व कारखानों से होने वाला उत्सर्जन भी आम शहरों में जितना होता है उतना ही है, परंतु मुंबई के निवासियों को उनसे होने वाला वायु प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ता है। समुद्री हवाओं की वजह से वह प्रदूषण दूर चला जाता है और शहर के निवासियों को उसके कारण परेशानी नहीं होती है, परंतु इस बार समुद्री हवाओं की प्रकृति बदल गई है जिसकी वजह से मुंबई के निवासियों को पिछले महीने भर से प्रदूषित हवा में सांस लेना पड़ रहा है, यानी मुंबई की हवा खराब चल रही है। पिछले कई दिनों तक मुंबई की हवा दिल्ली के मुकाबले अधिक खराब रही। मुंबई की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां समुद्र की ओर से हवा आती है और हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों को दूर बहा ले जाती है। 3-4 दिन के अंतराल पर धरती की ओर से हवा समुद्र की ओर प्रभावित हो रही है, यानी समुद्र की ओर हवा बह रही है धरती की ओर से। हवा की दिशा बदलने का ये चक्र 3-4 दिनों का होता है। इससे मुंबई की हवा अपेक्षाकृत साफ रहती है, लेकिन इस बार ये चक्र बदल गया है, इसकी वजह से हवा थोड़ी खराब हुई है। अब बिना माँ के बच्चे पैदा होंगे। 1999 में एक हॉलीवुड फिल्म मैट्रिक्स आई, जिनमें दिखाया गया कि एक फैक्ट्री में इंसान पैदा किए जा रहे हैं। इस फिल्म ने दुनिया भर के लोगों को हैरान किया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि महिला गर्भ के बिना बच्चों को पैदा करना संभव है? साइंटिस्ट और फिल्म मेकर हासम अल घायली ने इस सवाल का जवाब हाँ में दिया है। घायली ने दावा किया है कि जल्द उनकी एक्टो लाइफ कंपनी में एक पॉड यानी एक तरह की मशीन में बच्चा पैदा करना संभव होगा। लेकिन सवाल यह है कि प्रकृति को चुनौती देकर मशीन में बच्चा पैदा करने का दावा करने वाला कौन है? जवाब है, लैब में बच्चा पैदा करने का दावा जिस हासम अल घायली नाम के शख्स ने किया है वह जर्मनी की राजधानी बर्लिन के रहने वाले हैं। घायली पेशे से साइंटिस्ट होने के अलावा फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने कहा, एक्टो लाइफ दुनिया की पहली आर्टिफिशियल बच्चा पैदा करने वाली कंपनी बनेगी, ये घायली ने कहा है। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि दुनिया भर के साइंटिस्ट ने बीते 50 सालों में इस क्षेत्र में जो भी खोज की है उन सभी को एक साथ मिलाकर आगे बढ़ाया गया है। एक्टो लाइफ कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि शुरुआत में इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए 75 लैब बनाए गए हैं। हर लैब में बच्चों को पैदा करने के लिए 400 बेबी पोर्ट लगाए गए हैं। इससे मशीन के जरिए 30,000 से ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सैनिकों का DNA बदल कर चीन बना रहा है सुपर सोल्जर, यानी एक नई आर्मी बना रहा है चीन। बिना नींद और बिना भूख के लड़ने वाला ये सैनिक होंगे और बेरहम तरीके से कत्लेआम मचाएंगे। आपको बता दें, चीन एक ऐसी आर्मी बना रहा है जो बिना खाए पिए और बिना नींद की लड़ेंगे और उनका DNA बदल कर ये एक्सपेरिमेंट करके ये सोल्जर्स को बना रहा है। इस पर आपको डिटेल खबर चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे कल के एक नए एपिसोड में। देखते रहे हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार। हर रोज रात 10:30 बजे मिलेंगे महाराष्ट्र मुंबई की बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में।